1990 के दशक में भारत के पास इतना कम विदेशी पूंजी की मात्रा रह गई थी, फॉरेन कैपिटल इतनी कम रह गई थी कि मात्र हम 2 सप्ताह का आयात करने के केवल हमारे पास पूंजी बची हुई थी। यदि हम 2 सप्ताह आयात कर लेते तो शायद ये हमारे पास जो फॉरेन कैपिटल का स्टॉक था वो समाप्त हो जाता। अतः और सरकार देख रही थी कि लगातार हमारे जो उद्योग हैं उस पर जो पूंजी थी विदेशी पूंजी उसका रुख प्रॉपर नहीं था, अर्थात वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी। तो अतः हमने डिसीजन लिया कि हमको कुछ नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 1991 में नई औद्योगिक नीति नई या नई आर्थिक नीति के नाम से आई और इसकी घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। अर्थात नई औद्योगिक नीति जिसकी घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई वो वास्तव में एक नए परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत में स्वीकार की है और इसमें वो रिस्ट्रिक्शन से जो आपने 1948 की औद्योगिक नीति में तथा 1956 की औद्योगिक नीति में देखा होगा वे सारे रिस्ट्रिक्शन इसके अंतर्गत समाप्त कर दिए गए। अर्थात हम लोगों ने एक नए इरा में प्रवेश करने का डिसीजन लिया, अर्थात हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे थे जिसके अनुसार हमारे देश में एक नई प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी होना अनिवार्य था। इसलिए हम लोगों ने औद्योगिक नीति 1991 स्वीकार किया और ये वास्तव में जो हमारे पास अब तक चल रही औद्योगिक नीति थी उनसे बहुत अधिक डिफरेंस थी। इस औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सुदृढ़ नीति संरचना साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क हमको मेंटेन करना था, अर्थात हमको अदर क्षेत्र के लिए एक अच्छी नीति संरचना का डेवलपमेंट करना था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग प्रमोट कर सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके एक प्रकार से हमको ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए थी। साथ ही साथ देखिए आपका लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, आपने देखा होगा कि 1948 में सरकार ने इसके क्षेत्र को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया, 1956 में इसके लिए विशेष कदम उठाए गए और 1991 में फिर से लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए एक नया फ्रेमवर्क रेडी किया गया, अर्थात सरकार ने लगातार लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास की बात कहीं कहीं पर भी इन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के या इस प्रकार से ऐसी नीति नहीं बनाई जो इनके लिए हानिकारक हो। अतः लघु एवं कुटीर उद्योग हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी, इसको सरकार ने स्वीकार किया, सदैव स्वीकार किया, चाहे 1948 की पॉलिसी में, चाहे 1956 की पॉलिसी में, चाहे 1991 की पॉलिसी में। तो इस प्रकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को डेवलपमेंट की उन्होंने पुनः बात की। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक इनका मुख्य उद्देश्य था, तो आत्मनिर्भरता इनको लाना था इसलिए सेल्फ रिलायंस लाना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में एकाधिकार समाप्ति करना इसका टारगेट बन गया था। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे पूंजीपति हो गए थे जो पूरी अर्थव्यवस्था में 20% वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन स्वयं कर रहे थे, पूरी इकोनॉमी का पूरी जीडीपी का 20% शेयर उनके पास था या कह सकते 1/4 शेयर उनके पास हो गया था, अर्थात एक प्रकार से ये पूंजीपति मोनोपोली के रूप में बिहेवियर अपना रहे थे। सरकार को डर लगने लगा कि ये अर्थव्यवस्था में कहीं अपने अनुरूप इकोनॉमी को न चलाने लगे, इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि जितने एक अधिकारी उत्पन्न हो गए हैं उनको हमको क्या होता एबॉलिश करना है, हमको इनको समाप्त करना, हमको इनका ऐसा पॉलिसी बनाना ताकि ये समाप्त हो जाए। ठीक है, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, लेबर्स जो होते हैं आपने हमने शुरू में बताया कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी आप देखे होंगे कि लगातार औद्योगिक क्षेत्र तथा श्रमिकों के बीच संघर्ष की कहानी होती है और औद्योगिक क्षेत्र पर ये ब्लेम लगा होता है कि श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत श्रमिकों का हितों का संरक्षण किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर, ठीक, अर्थात इनके हितों को बढ़ाया जाएगी। जो 1956 की पॉलिसी में आपने देखा होगा कि 1956 की पॉलिसी में ये बात उठाई गई थी और वो बात अभी भी जारी रखी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, विदेशी विनियोग में परिवर्तन करना। आपने देखा होगा कि 1948 तथा 1956 की इकोनॉमिक पॉलिसी में कहीं पर भी विदेशी विनियोग की चर्चा नहीं की गई,
1948 या 1956 दोनों को अगर पॉलिसी कॉपी स्टडी करिए डीप, तो इसमें फॉरेन कैपिटल को वास्तव में इग्नोर किया गया। अर्थात हम गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जितने उद्योग थे उसमें कहीं पर भी विदेशी विनियोग की बात नहीं की गई। उसमें साफ साफ कहा गया था कि केंद्रीय सरकार ही इसके नियमन नियंत्रण तथा विनियोग की जिम्मेदारी लेती है। अर्थात विदेशी पूंजी को हम लोगों ने नकारा, बहुत ज्यादा नकारा। अब इसका एक इम्पैक्ट पड़ गया, इम्पैक्ट ये पड़ा आगे हम निकलकर विदेशी विनियोग का क्या इम्पैक्ट पड़ा। और अगली बात है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको फिर से बताया कि अर्थव्यवस्था का हमारा उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, और जब सोशलिस्ट इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, अर्थात जब आपका उद्देश्य कल्याण को मैक्सिमम करना हो जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ना सर्वविदित है। अर्थात आपको पता है कि जब हमारा टारगेट क्या होता है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी होगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर के रोल को हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हम कभी नकार नहीं कर सकते। तो ये हमारे आपके औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत 1991 में एक्सेप्ट किया गया। ये एक प्रकार से बहुत ब्रॉड पॉलिसी थी, बहुत व्यापक पॉलिसी थी, और इसको हम लोगों ने स्वीकार किया गया। तो इतने उद्देश्यों के साथ इनको हमने स्वीकार किया। अब हम चर्चा करते हैं फॉरेन कैपिटल की, विदेशी विनियोग की। 1948 की हम बात बताते हैं। 1948 में हम स्वतंत्र हुए थे, और स्वतंत्र के जस्ट बाद, स्वतंत्र के बाद हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, लेकिन उसमें विदेशी पूंजी को नकारे, क्योंकि विदेशी पूंजी से हम लोग मात खा चुके थे। विदेशी पूंजी ने एक बार हमने उनको परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उन्होंने हमारे ऊपर 150 साल शासन करे, ठीक है, जिसके कारण हमको विदेशी पूंजी से डर लगने लगा। ठीक है, फॉरेन कैपिटल के विषय में 1956 में भी वही हमारी नीति थी। 1956 में भी सरकार ने क्या किया कि जो भी अनुसूचियां बनाई उसमें से मोस्टली सरकार अपने पास रखे, का अनुसूची जिसको कहते हैं, का अनुसूची अपने पास रखे, का अनुसूची जिनको सरकार खोल सकती थी वो अपने पास रखे। तो का अनुसूची उद्योग और खा अनुसूची उद्योगों में सरकार ने स्पष्ट नीति कहा कि केवल हमारे द्वारा विनियोग होगा, तथा जो बाकी बचे उद्योग हैं वो गा होंगे, लेकिन विदेशी पूंजी को इन्होंने यहाँ पर भी ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन बहुत कम महत्व दिया, और इतना कम महत्व दिया कि विदेशी निवेशक भारत में नहीं आना चाह रहे थे, कि भारत में विदेशी पूंजी के अनुरूप वास्तव में माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी पूंजी आना लगभग बंद। जब फॉरेन कैपिटल आना बंद हो गई थी, तो याद रखना विदेशी पूंजी बहुत गुण रखती है अपने पास, बहुत अच्छी चीजें रखती है, जैसा कि ह्यूज अमाउंट लाती है आपके पास, बड़ी मात्रा में निवेश करती है। एक विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में, क्योंकि विदेशी कंट्री है जो हुआ उनके पास पूंजी बहुत अच्छी होती, तो बड़ी मात्रा में इनके द्वारा निवेश हो जाता। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो आपके पास फॉरेन कैपिटल होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया होता, जिसके परिणाम स्वरूप इनके द्वारा उत्पादित वस्तु बहुत अधिक गुणवत्ता की होती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, इनका मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, जिसके कारण इनकी कंपनी की गुणवत्ता बढ़ती जाती है तथा लगातार काम करती है सरकार। साथ ही साथ आपने देखा होगा फॉरेन कैपिटल को उसने सरकार ने इग्नोर किया, और सभी क्षेत्रों पे सरकार को निवेश करना पड़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा वहां पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल एक्सेप्ट किया गया था। कल मैंने आपसे डिस्कस किया, बैलेंस ग्रोथ मॉडल को एक्सेप्ट करने के परिणाम स्वरूप भारत में सभी क्षेत्रों में निवेश करने के परिणाम स्वरूप सरकार का कोष खाली हो गया था। सरकार कितना निवेश करे, सरकार का कोष खाली हो गया था, और सरकार के पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई थी कि आखिर हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए 1991 की पॉलिसी में सरकार ने स्वीकार किया कि जो लाभ वाले क्षेत्र हैं, आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, जो लाभ वाले क्षेत्र हैं उनको क्यों ना निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। क्यों? क्योंकि लाभ के चक्कर में निजी क्षेत्र पूंजी निवेश करेगा। ठीक है,
पूंजी निवेश करेगा। श्योर है कि अगर लाभ किसी सेक्टर में है तो निजी क्षेत्र उसमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट जताता है, लेकिन जो कल्याण वाले क्षेत्र हैं जिसपे लाभ नहीं है वेलफेयर मैक्सिमम है उन पर सरकार इन्वेस्टमेंट करने का मूड बनाए। तो सरकार ने कहा कि इससे हमारा क्या हो जाएगा, निवेश का एरिया कम हो जाएगा। अगर हम लाभ वाले क्षेत्र खोल देते हैं जहाँ पे प्रॉफिट अधिक है, हाँ उसके लिए नियमन हम लोग बना देते हैं। नियमन का मतलब होता है कि सरकार चाह रही थी कि इसका रेगुलेशन हम लोग बना दें, लेकिन इसमें लाभ की प्रत्याशा में निजी पूंजी ऑटोमेटिक आ जाएगी तो हम क्यों इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करें। सरकार ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हम कल्याण अधिकतम करने वाले क्षेत्र पे रहे जिस पे निजी पूंजी नहीं आती है, निजी पूंजी जिससे नकारती है, निजी पूंजी दूर रहती है। जिन सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहता उस सेक्टर में सरकार ने कहा हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सरकार ने कहा कि हमारा पूंजी कम लगेगी और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। तो सरकार ने सबसे पहले यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप एलपीजी पॉलिसी जब आई तो सरकार ने नया लिबरलाइज करना, इकोनॉमी को उदारीकरण करना। उदारीकरण का तात्पर्य होता है कि पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था थी जो 1956 में हमने स्टडी किया कि इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने दिल्ली में ऑफिस खोल दिए थे और इन ऑफिसों का एक ही काम था लाइसेंस को ले लेना, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूंजीपत एकाधिकारी बन गए थे और ये अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी बनने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का 20% सप्लाई इनके द्वारा होता था या अर्थव्यवस्था में इनके पास बहुत अधिक पूंजी कंसंट्रेट हो गई थी। सरकार इन पूंजीपत जो एकाधिकारी के रूप में डेवलप हो गए थे, सरकार इन एकाधिकारियों को समाप्त करना चाह रही थी। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि हम लाइसेंसिंग व्यवस्था को यहाँ से उदार करने जा रहे हैं, समाप्त कहें तो ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त हो गई थी। उदार का मतलब होता है कुछ सेक्टर्स में लाइसेंसिंग व्यवस्था रखी गई लेकिन लगभग सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब इसके परिणाम स्वरूप सभी निवेशक निवेश कर सकते थे। सभी निवेशक जब निवेश कर सकते थे तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एकाधिकारीपन समाप्त हो गया और अर्थव्यवस्था में निवेश तेजी से बढ़ा और जब निवेश तेजी से बढ़ा तो अर्थव्यवस्था की जीडीपी बढ़ने लगी। तो सरकार ने सबसे पहले इकोनॉमी को उदारीकरण किया। उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति। लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति किया गया और लाइसेंसिंग व्यवस्था अब जैसे ही समाप्त हो गई अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर में एंट्री कर गई। दूसरा इन्होंने कार्य किया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, निजीकरण। और निजीकरण का तात्पर्य यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर है ठीक है उसको भी स्वागत किया। आपने इसे पूर्व दिया देखा कि 1948 में बहुत कम क्षेत्र थे जो निजी क्षेत्रों के लिए ओपन किए गए थे, बहुत कम क्षेत्र थे, लेकिन 1956 में भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लिए उद्योग नहीं रखे गए थे। आपने का और खा अनुसूची गवर्नमेंट के लिए आरक्षित कर दिया और जो रेस्टाफ बने आपने स्पष्ट कर दिया कि जो उद्योग बचे हैं वो का श्रेणी के अंतर्गत आएंगे और उसमें निजी क्षेत्र निवेश कर सकेगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि नहीं, का और खास श्रेणी में हम बहुत से उद्योगों में खोलने जा रहे हैं जिसमें निजी पूंजी आ सकती है और निजी आप व्यक्ति अपनी पूंजी लगा सकता है। तो अर्थात पहली बार हमने निजीकरण की बात सोची। निजीकरण का तात्पर्य ये नहीं होता कि पूरी कंपनी निजी व्यक्तियों के हाथ में चली जाए, पूरी कंपनी ठीक है। अगर आप किसी भी चरण को, मान लीजिए रेलवे, रेलवे के किसी भी चरण को अगर निजी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता तो हम लोग निजीकरण का डिजाइन कर देते। जैसे मान लीजिए टिकट काटने की प्रणाली, टिकट काटने की जो प्रक्रिया है वो अगर निजी व्यक्ति को दे दिया जाता, टेंडर दे दिया जाता कि आप केवल टिकट चेक करोगे या टिकट काटोगे तो हम कहेंगे निजीकरण हो रहा है। तो ये नहीं आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में पूरी कंपनी निजी हाथों में बेच दी जाए, बल्कि उसकी एक कोई प्रक्रिया
एक प्रक्रिया भी यदि निजी व्यक्ति अपने हाथों द्वारा संपन्न करने लगता है तो हम कहते हैं निजीकरण है। और सरकार ने आपने देखा होगा 1991 के बाद कई चीजों का काम निजी क्षेत्रों को दे दिया, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर का, जैसे कच्चे माल की सप्लाई, पैकेजिंग आदि चीजें कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर लगभग लगभग सभी जगह इन्वॉल्व होने लगा, अर्थात सरकार ने निजी पूंजी को निजीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किया। और तीसरी बात आपके पास आ जाती है ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। उस समय जब हम स्वतंत्र हुए थे 1948 के बीच में, ग्लोबल कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था, था लेकिन उतना प्रॉपर नहीं था। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी हमारे पास उतना एक्सेप्ट नहीं था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बिना बैरियर यानी शुल्क के या दबाव के, ठीक है, बिना शुल्क के विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार को सुनिश्चित करना, या व्यापार को संपन्न करना। जैसे आपका ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ये आपका यूके है, ये आपका यूएसए है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, तो इनके द्वारा अगर इंडिया कोई व्यापार करता है तो निर्बाध रूप से आयात तथा निर्यात संपन्न करे, ठीक है, जिसमें ना तो कोई टैरिफ हो, ना तो कोई कोटा हो, ना तो कोई क्या होता अदर बाउंड्रीज हो या लिमिटेशन हो, जिसके माध्यम से इनका ट्रेड निर्बाध रूप से काम करे, तो हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन है। वहां पर उसे हम भौमंडलीकरण कहते हैं, अर्थात पूरे विश्व को, संपूर्ण वर्ल्ड को एक इकाई में परिवर्तित करना, वन यूनिट में कन्वर्ट कर देना, एक इकाई में परिवर्तित कर देना, आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझ लेना केवल ट्रेड तक सीमित, केवल व्यापार निर्बाध रूप से हो तो हम ग्लोबलाइजेशन के ईरा में प्रवेश कर रहे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन मत करना। ओनली ट्रेड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं होता, बल्कि अगर आपकी फॉरेन कैपिटल भी वर्ल्ड के किसी कंट्री में फ्लो कर रही है बिना बाधा के, तो आप कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन संपन्न हो रहा ना, ठीक है। अगर किसी बिना बाधा के आपकी पूंजी जा रही है, ठीक, आपके देश का निवेशक विदेश में जा रहा निवेश करने, और निवेश करने के लिए यूके यूएसए से निवेशक भारत में आ रहे हैं, तो बिना बाधा के यदि फॉरेन कैपिटल, जिसको आप लोग एफडीआई करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिना बाधा के अगर इकोनॉमी में फ्लो कर रही है, तो आप क्या कहोगे कि अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइज है, ठीक है। सर्विसेज, जिसे आप कहते हैं नॉलेज, अगर नॉलेज इकोनॉमी में स्लो रूप से घूम रहा, आप ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ सकते हो, ऑक्सफोर्ड वाले आपके देश में आ सकते हैं, आप कहीं भी डॉक्टरी पढ़ने जा सकते हैं, तो आप कहोगे हम ग्लोबलाइज एरा में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी सर्विसेज वर्ल्ड लेवल पे जा रही हैं और वर्ल्ड लेवल से बिना बाधा के सर्विसेज आ रही हैं, तो आप कहोगे हम ग्लोबलाइज एरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व अर्थव्यवस्था को बिना बाधा के संचालित होना, बिना बाधा के, कोई भी बाधा ना हो, ठीक है। अगर कोई बाधा होती है तो समझ जाना कि आप ग्लोबलाइजेशन के ईरा में प्रवेश नहीं कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। चलिए, जब ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हो, ठीक, ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हो, तो ग्लोबलाइजेशन की जब भी चर्चा करोगे तो आपको संस्थाओं को पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। पहला होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, और दूसरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये दो संस्थाएं थी, और तीसरी एक संस्था बहुत अधिक इंपॉर्टेंट थी, वर्ल्ड बैंक। ये तीन संस्थाओं को आपको ग्लोबलाइजेशन ईरा में पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो था ये वास्तव में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाली संस्था थी, ठीक है। और ये विश्व में अगर आप इसके मेंबर होते हो तो मतलब कि आपने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया है, और WTO कहता है कि हमारे अंतर्गत जो भी व्यापार होंगे वो कोशिश किया जाएगा कि बिना बाधा के व्यापार किया जाए, ठीक है। अब बिना बाधा के व्यापार करने में कोई ना कोई एजेंसी तो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, तो WTO कहता है कि हम उसका रेगुलेशंस बनाएंगे, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है कि जो आपने
आपने एमओयू साइन किया है, जैसे जो वस्तु आपने देने का वादा किया वो वस्तु आप देते हो, ठीक है, या वो वस्तु प्राप्त करते हो, अगर इसमें कोई आप इंटरफेयर करते हो, ठीक है, आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हो, तो डब्ल्यूटीओ का मैटर हो जाता। तो वर्ल्ड लेवल पे एजेंसी तो होनी चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रेगुलेट कर सके, ठीक है। और ये बस नहीं, मात्र इस मामले में और अधिक क्या हुआ, भारत का सहयोग किया, भारत ने विश्व का सहयोग किया, क्योंकि विश्व में एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब विदेशी पूंजी फ्लो कर रही थी, विदेशी पूंजी आ जा रही थी, तो कोई ना कोई ऐसी एजेंसी तो होनी ही चाहिए ना जो अर्थव्यवस्था में एक देश की पूंजी को दूसरे देश में, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर सके। तो आईएमएफ का रोल बड़ा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इन्होंने विदेशी मुद्रा की उपलब्धता कराई। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति, यूएसए का व्यक्ति भारत में निवेश करना चाहता है, तो उसे भारतीय रुपया चाहिए, तो उसके लिए कोई इंटरनेशनल एजेंसी तो होनी चाहिए, तो काम कर रहा है आईएमएफ कहलाया। आईएमएफ ने कहा कि आपको मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होगा उस घाटे को भरपाई करने के लिए आप हमसे एडवाइस लीजिए, ठीक है, हम आपको एडवाइस देंगे, आपको हम लोन देंगे। लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा कि हम लोन केवल विदेशी भुगतान के लिए देते हैं, विदेशी व्यापार के लिए देते हैं, तो विदेशी भुगतान संतुलन के लिए इन्होंने क्या किया, आईएमएफ ने लोन चालू किया। और दूसरा का इरा आया वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के कार्यों के लिए लोन देना चालू किया, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, लोग वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वो डेवलपमेंट से संबंधित लोन जोन देगा, वो वर्ल्ड बैंक देगा, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना हुई थी वो वास्तव में अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन से संबंधित एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता था, ताकि आपका मुद्रा संबंधी कोई मामला ना फंसने पाए। तो याद रखना, ग्लोबलाइजेशन के इरा को स्वीकार करते ही आपके तीन टॉपिक बढ़ जाते हैं। कौन सा टॉपिक आपका बढ़ जाता है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गैट था, गैट के बाद ये कन्वर्ट हुआ 1948 में, ये गैट के रूप में था, लेकिन इन्हें वास्तव में उतना ब्रॉड नहीं था। 1995 की इरा में हम लोगों ने इसी को, गैट को कन्वर्ट कर दिया डब्ल्यूटीओ के रूप में, और ये विश्व व्यापार को निर्बाध रूप से संपादित करने की एजेंसी बनाई है, ठीक है। लेकिन जब व्यापार करेंगे तो मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो उस मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सामने आया, और उसने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए विश्व में विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का अपना दावा पेश किया। लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन से संबंधित मुद्रा ही उपलब्ध कराएगा, आपको एडवाइस उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार ये विदेशी मुद्रा तो उपलब्ध कराएगा, लेकिन व्यापार को संपादित करने के लिए जो आपका विश्व बैंक होगा, विश्व बैंक डेवलपमेंट के लिए आपको विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको पॉवर्टी से लड़ने के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस प्रकार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लगते दोनों सेम, ठीक है, लेकिन दोनों का एजेंडा अलग अलग था, ठीक है। तो हो सकता है हमको टाइम जब मिलेगा तो हम इन पर भी, इन संस्थाओं पर भी एक एक क्लास जरूर लेंगे, ताकि आपके ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा हम कर सकें। आज हमने ओवरव्यू किया। अब हम जब बात करते हैं तो औद्योगिक नीति 1991 के विशेष प्रावधानों की बात करते हैं कि क्या आपके पास स्पेशल इसमें है, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले उदार औद्योगिक नीति, उदार का शब्द मैंने बताया, उदार का मतलब होता अर्थव्यवस्था में अब लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त हो गया, अब हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अनुमति या आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, उदार औद्योगिक नीति था। अर्थात अगर आप छोटी मोटी पूंजी निवेश करते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ उद्योगों को, विशेष उद्योगों को छोड़ करके, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत 18 उद्योगों को छोड़ करके, 18 उद्योग जो है इनके लिए आपको अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये 18 उद्योगों को आप छोड़ दीजिए, अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त, अब आपको लाइसेंसिंग नहीं लेना पड़ेगी। तो यानी जब लाइसेंसिंग नहीं लेना पड़ेगा तो इसमें आम व्यक्ति भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन 18 उद्योगों की दशा में लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया।
अगर आप इन 18 उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन इन 18 उद्योगों को छोड़ करके अगर कोई निवेश करते हो तो आपको वास्तव में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहती। ये 18 उद्योग कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिए, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम, ठीक है, जो आपका पेट्रोल डीजल, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, मोटर कार उद्योग, बस उद्योग, कागज उद्योग, अखबारी कागज, ठीक, अखबार का कागज, रक्षा उपकरण, औषधि इत्यादि को शामिल किया गया, ठीक है। इन उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया। हमने आपको ये बार बार बताया कि उदार औद्योगिक नीति तो स्वीकार की गई, लेकिन 18 उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों के लिए हमने उदार औद्योगिक नीति को क्या किया, स्वीकार किया, लेकिन इनके लिए उनके कारणों में सुरक्षा एवं सामरिक नीति, सामाजिक कारण, वनों की सुरक्षा, पर्यावरण समस्याएं, हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन, धनी लोगों के उपयोग की वस्तुएं मुख्य रूप से हैं। धनी लोग कौन सी वस्तु करते हैं? विलासी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विलासी वस्तुओं में आपने देखा होगा कि आपका वाइन भी आ सकता है, आपका क्या कहते हैं, महंगी कार भी आ सकती है, ठीक है। इनके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं उन पर विशेष ध्यान रखा गया, तो और सुरक्षा के कारण, आपके देश की सुरक्षा के साथ कोई हो, सामरिक नीति हो, सामाजिक कारण हो, वनों की सुरक्षा हो, पर्यावरण समस्या है, तो इनको के लिए इनको ध्यान में रख करके लाइसेंसिंग व्यवस्था जारी की गई। नहीं तो अगर लोगों को ऐसे फ्री में कर दिया जाएगा तो लोग ऐसे ऐसे उद्योग स्थापित कर देंगे, जैसे कागज उद्योग है, कागज उद्योग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। जब लुगदी बनाई जाती है तो लुगदी बनाने के परिणाम स्वरूप पहले तो कागज के लिए पेड़ काटे जाते हैं, और दूसरा लुगदी उद्योग के कारण क्या होता है, इसका ड्रेनेज जो होता है, इससे जो गंदा पानी निकलता है उससे बहुत बीमारियां फैलती है। तो अगर लाइसेंसिंग व्यवस्था जारी नहीं रखा जाएगा तो कागज उद्योग के माध्यम से पर्यावरण की समस्याएं ज्यादा आ जाएंगी, इसलिए सरकार ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन पर लाइसेंसिंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखा, नहीं तो अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आ जाती। साथ ही साथ ये आपने उदार औद्योगिक नीति देखा कि 18, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, सरकार ने अपने क्षेत्र की, सरकार का काम क्या होता, कल्याण को बढ़ाना, तो सरकार ने अपने क्षेत्र में क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था में कल्याण को मैक्सिमाइज करे उन क्षेत्रों को अपने पास रखा। सरकार ने लोक उपक्रम के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुए, ठीक है, नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणा की, इसके अंतर्गत ऐसे लोक उपक्रमों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। इन उपक्रमों को अधिक से अधिक विकासोन्मुख, ठीक है, विकासोन्मुख और तकनीकी दृष्टि से गतिशील बनाया जाएगा जो उपक्रम वर्तमान में ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं या वो प्रॉपरली ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए विकासोन्मुख तथा तकनीकी दृष्टि, इस पर टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही, उनको सरकार देखेगी, उन्हें पुनः संगठित किया जाएगा, उन कंपनियों की जांच की जाएगी आखिर वो घाटे पे क्यों चल रहे हैं या ये क्यों नहीं ठीक चल रहा है, इस पर विचार किया जाएगा। भविष्य में लोक उपक्रमों के विकास के दृष्टि से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निम्नलिखित होगी, जैसे आज जो सार्वजनिक क्षेत्र काम कहां करेगा, आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं, जो इकोनॉमी में फंडामेंटल या बेसिक डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उद्योग होंगे उनको सरकार अपने पास रखेगी और उनको तकनीकी तथा विकासोन्मुख नीतियों से सजाएगी, संवारेगी, जैसे आपका बिजली, ठीक, बिजली का उत्पादन करेगी, ठीक है, रोड, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रोड बहुत अधिक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है, तो इस प्रकार आधारभूत संरचना जो होगी वो सार्वजनिक क्षेत्र का पार्ट होगी। तेल, खनिज संसाधनों का निष्कर्षण, यानी जितने खनिज, जैसे आपका बालू है, मिनरल्स में अभ्रक है, ठीक है, लोहा है, इन सभी को, आपका पेट्रोलियम भी, इसका निष्कर्षण भी सरकार अपने अंडर में ही रखेगी। ऐसे क्षेत्र, थर्ड, ऐसे क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं निर्माण क्षमता का निर्माण, जो दीर्घकालीन उत्पादों का निर्माण, जहां सामरिक घटक महत्वपूर्ण है, जो हमारे पास सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है, उनको सरकार अपने पास रखेगी। तो आपने देखा होगा कि जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जैसे आवश्यक आधारभूत उद्योग, इनको सरकार अपने पास रख रही है, तेल तथा खनिज संसाधनों को अपने पास रख रही है, तकनीकी विकास को अपने पास रख रही है,
सामरिक घटना को अपने पास रख रही है, सुरक्षा उपकरणों को अपने पास रख रही है, तो इन क्षेत्रों में सरकार सदैव बनी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हो जाए, लेकिन सरकार ही इसमें मेन रोल अदा करेगी। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई, ठीक है, 8 कर दी गई। अब 8 ही उद्योग है जो आपके क्या हो जाएंगे, मेन उद्योग रहेंगे, और इन पर केंद्र सरकार ही सारा डिसीजन लेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें आपके 8 उद्योग निम्नलिखित हैं। ये 8 उद्योग की मैंने एक लिस्ट बनाई है। पहला आपका है अस्त्र एवं गोला बारूद तथा रक्षा सामान, रक्षा वायुयान, युद्ध पोत से संबंधित मुद्दे। तो यानी पहली मत के अंतर्गत जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में, वो सरकार सार्वजनिक उद्योग रखेगी, इनको अपने पास रखेगी, अस्त्र मतलब आपने देखा होगा सैनिक से संबंधित या देश की सुरक्षा संबंधित सारी मदें इसमें। दूसरा परमाणु शक्ति, क्योंकि एटम एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, अगर ये गलत व्यक्तियों के हाथ में लग जाएगी तो प्रॉब्लम सरकार को आ सकती है, देश को आ सकती है, इसलिए एटम एनर्जी से संबंधित सारी पावर्स गवर्नमेंट अपने पास रखी है, ठीक है, कहाँ उत्पादन करना है, किस प्रॉपर करना है, सब कुछ वो अपने पास रखेगी। थर्ड है आपका कोयला और लिग्नाइट उद्योगों को अपने पास सरकार रखेगी। चौथा आपका है खनिज तेल को, जितने आपके पास पेट्रोलियम उत्पाद है ये सब अपने पास रखेगी। पांचवा है लौह मैगजीन एवं क्रोम अयस्कों, जिप्सम, गंधक, स्वर्ण और हीरे का खनन अपने पास रखेगी। अगला है आपका तांबा, शीशा, जस्ता, टीन, मोलिब्डेनम और विल्फ्राम का खनन ये अपने पास रखेगी। अगला है परमाणु शक्ति के उपयोग के खनिज, जैसे आपका क्या होता है, आपका परमाणु एनर्जी जिससे बनती यूरेनियम, थोरियम, जो भी होगा, इनका खनिज सरकार अपने पास रखेगी, और साथ ही साथ रेलवे परिवहन भी सरकार अपने पास रखेगी। तो इस प्रकार नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दिया, और इन 8 सेक्टर में गवर्नमेंट प्रॉपरली निश्चित रूप से रहेगी, अन्य क्षेत्रों को खोला गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी अर्थव्यवस्था में, वही है कि अर्थव्यवस्था में ऐसे मोनोपोलिस्टिक पैदा हो रहे थे जो अर्थव्यवस्था में पूरे का 20% या 1/4 मार्केट कैप्चर कर चुके थे। तो सरकार चाह रही थी कि इन एकाधिकारियों को रोका जाए, और इसलिए सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाया गया, कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी न उत्पन्न होने पाए, और एकाधिकारी अर्थव्यवस्था में बाजार की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी को न पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में इन्होंने आपका MRTP एक्ट बनाया। और इस MRTP एक्ट के अंतर्गत यदि आप अर्थव्यवस्था में 20% आपका उत्पादन है या 1/4 यानी 25% आपके पास एसेट्स है, तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको आगे उत्पादन, आपको निवेश करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस नीति में यह घोषणा की गई कि बड़ी कंपनियां, ठीक है, अधिकतर कौन होगा, मोनोपोली कौन होगा, बड़ी कंपनी वाले होंगे, बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने, आपको औद्योगिक घराने का मैंने नाम बताया, टाटा, बिरला, मफतलाल, पर एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कौन सा एक्ट लग गया, MRTP एक्ट लागू किया गया, अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई जाएगी। इसके फलस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की क्षमता को उत्पादन बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण करने, उनका स्वामित्व लेने, कुछ परिस्थितियों संचालक को नियुक्त करने तथा उनका स्वामित्व लेने तथा कुछ परिस्थितियों संचालक। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जब MRTP एक्ट लागू हुआ 1980 के दशक में, तो बड़े पूंजी, ये 1980 के दशक में इसको लागू किया गया, मैं इसका अलग से एक लेक्चर लूंगा, MRTP एक्ट पर ही एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो अभी हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकारी रूप में हमारे अर्थव्यवस्था में डेवलप हो चुके थे, वो क्या करते थे, पूरी अर्थव्यवस्था में 1/4 या 20% मार्केट को कब्जा कर रहे थे, उनको सरकार ने कहा था कि अब आप नया निवेश नहीं कर सकते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगे हो। 1991 में इसमें रिलैक्सेशन दिया गया, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है
इनका कहना था, जो बड़े बड़े कंपनियां थे, बड़े घराने थे, कि आखिर हमारी क्या गलती, हमने तो अच्छा मार्केट में डेवलप किया और अर्थव्यवस्था में उत्पाद को दिया, अब हमको आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेशंस क्यों लगा रहे हो। तो 1991 की नीति में MRTP में थोड़ी सी ढील दी गई कि नहीं, आपकी बात सही है कि आप मार्केट में अच्छा कर रहे हो तभी तो आपका मार्केट बढ़ा है, ठीक है। हाँ, आपको वास्तव में हम इसमें कुछ रिलैक्सेशंस देते हैं, ठीक है, लेकिन आप निवेश तो कर सकते हो लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता को प्रभावित नहीं करोगे। तो बड़े घरानों को, कंपनियों को नए उपक्रम लगाने की अनुमति इसमें मिल गई, ठीक है, कि आप नए उपक्रम अच्छा लगा सकते हो, ठीक है, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आप नया चेंजेज कर सकते हो, कंपनियों का विलीन कर सकते हो, मर्ज करना, कंपनियां एक दूसरे का है ना, दो बैंक आपस में मर्ज हो गए, आपस में मिल गए, तो कंपनियों का विलीनीकरण आप कर सकते हो, उनका स्वामित्व लेने के लिए कुछ परिस्थितियों में संचालकों को नियुक्ति कर सकते हो, ठीक है, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में उन संचालकों को नियुक्त कराने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं लेनी होगी। पहले क्या होता था, हर चीज के लिए जो जिस पर MRTP एक्ट लागू हो जाता था उसको कोई भी एक्टिविटी संपन्न करने के लिए बड़े घराने की कंपनियों को, उनको सरकार से, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब 1991 की पॉलिसी में इनको रिलैक्सेशन दिया गया कि आप कर सकते हो लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति नहीं लेनी होगी। तो वास्तव में इकोनॉमी में क्या किया गया, पूंजीपतियों के लिए काफी अधिक रिलैक्सेशन इसमें दिया गया। सरकार भविष्य में इस अधिनियम के माध्यम से एकाधिकारी, प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित औद्योगिक एवं व्यापार प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगी, ठीक है, आप एकाधिकारी बन रहे हैं तो इस पर कंट्रोल सरकार अभी भी करेगी। आप कोई मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मार्केट में आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में देखते हो, साफ साफ स्पष्ट आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी क्या है, तो आप मार्केट को ये नहीं करोगे कि आप बताते कुछ और प्रोडक्ट में अंदर निकलता कुछ है, आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या अदर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें साफ साफ लिख दिया जाता कि ओनली फ्लेवर एडेड नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जो जूस वूस होते हैं उसमें साफ साफ कहते हैं कि हमने केवल फ्लेवर एड किया है, ये वास्तव में वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो आपको लगे कि आम का गुण, सेब का गुण, ये हमको जूस में मिल रहा तो नहीं, केवल फ्लेवर, तो ये आपको स्पष्ट प्रतिबंधात्मक के अंतर्गत बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी वस्तु उत्पादित कर रहे हैं और उसमें एक्चुअल में है क्या, ठीक है। आप मार्केट में कंज्यूमर को क्या करोगे, प्रॉपरली बताओगे, साथ साथ प्रतिबंध नहीं लगाओगे। कभी कभी बड़े बड़े घराने क्या करते थे, जैसे मान लीजिए लोहा कहीं से लेते थे, ठीक है, लोहा लेते थे और ये बड़े घराने रहते थे तो ये मना कर देते थे कि अन्य कंपनी को अगर आप लोहा बेचोगे तो हम आपसे लोहा नहीं लेंगे, परिणाम स्वरूप ये प्रतिबंधात्मक व्यापार हो जाता था, ठीक है। कच्चे माल के लिए बड़ी कंपनी ने किसी किसान से एग्रीमेंट किया और साथ ही साथ ये भी बोल देना कि नहीं, अगर आपको हमें कच्चा माल देना तो अन्य को आप नहीं दोगे, यही होता था ना, ठीक है। तो ये प्रतिबंधात्मक व्यापार था, ठीक है, जब आप अपना ट्रेड करते थे लेकिन दूसरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे कि अगर मेरे साथ व्यापार करना तो आपको अन्य के साथ व्यापार नहीं करना होगा। इस प्रकार की एक्टिविटी अगर इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगी तो हम तुरंत MRTP एक्ट के अंतर्गत आपको प्रतिबंधित करेंगे। तो सरकार अभी भी क्या करती थी, एक अधिकारी न डेवलप होने पाए, प्रतिबंधात्मक आप व्यापार न करने पाओ और अनुचित औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रवृत्तियां, ठीक है, अनुचित जो प्रैक्टिस में नहीं है, इस प्रकार कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप नहीं बनाओगे जो मार्केट में प्रैक्टिस में नहीं है, आप उनको डायरेक्ट रोकोगे, ठीक है, नियंत्रित करने पर महत्व देगी, ठीक है। तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता एकाधिकारी, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एकाधिकारी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थव्यवस्था में एक अधिकारी न पैदा होने पाए, प्रतिबंधात्मक व्यापार न करने पाए, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे करो लेकिन दूसरे को आप मना नहीं कर सकते कि आप उसको रॉ मटेरियल या अन्य चीजें नहीं दोगे, अनुचित औद्योगिक कोई अनुचित, ठीक है, जो प्रैक्टिस में नहीं है वैसी प्रैक्टिस नहीं अपनाओगे, व्यापारिक प्रवृत्तियां, क्योंकि ट्रेड में आप गलत नहीं बताओगे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में वो चीज नहीं है फिर भी आप बताते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, एक दवा आती थी, नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, वो होती थी, वो कहती थी हम केवल 5 मिनट में जो दर्द थे दे आराम,
ठीक है, 5 मिनट में दर्द से दे आराम, आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी मेडिसिन थी, ठीक है, ठीक है, आपको केवल 5 मिनट में दर्द से आराम देगी, ठीक है। सरकार ने इसको टेस्ट किया कि ये 5 मिनट में देती नहीं, आपने 5 मिनट में आराम नहीं मिला, तो आपने कहा आप अनुचित व्यापारिक प्रवृत्ति अपना रहे हो, आप गलत लोगों को बता रहे हैं 5 मिनट में कैसे आराम हो गया, कहाँ हुआ, तो उसने अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज किया। तो आप गलत व्यापारी प्रवृत्तियों को नहीं स्वीकार करोगे इकोनॉमी में, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट काफी अधिक निगरानी रखती थी कि आप गलत लोगों को बता करके अपना उत्पाद नहीं बेचोगे, ठीक है। अभी मैंने देखा क्या कहते हैं, जो एक आपका कॉस्मेटिक क्रीम है जो कहती थी 7 दिन में गोरा बनाए, इस पर अभी एक केस हुआ वर्ल्ड लेवल पे और उसने केस जीता भी कि 7 दिन में हमने गोरे नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आपने ऐसा क्यों एडवर्टाइजमेंट दिया 7 दिन में गोरा बनाए तो हमने नहीं गोरे हुए। तो ये गलत व्यापारिक प्रवृत्तियां, इस प्रकार की व्यापारिक प्रवृत्तियां अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स करती हैं, तो इनको नियंत्रित करने का अधिकार इसमें रखा गया। ऐसे नहीं कि आपका MRTP एक्ट को लिबरलाइज कर दिया गया, आप चाहे जो बोल करके अपना उत्पाद बेच दो, ऐसा नहीं है। तो इसके अंतर्गत व्यापारिक प्रवृत्तियां अनुचित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाई कि अनुचित व्यापारिक प्रवृत्तियां, अनुचित औद्योगिक प्रवृत्तियां अगर आपके पास हैं या व्यापारिक प्रवृत्तियां आपके पास हैं तो आप तुरंत रोक लगाएगी सरकार। ठीक, एक अधिकारी आप बनना चाहते हो, मोनोपोली बनना चाहते हो, आप रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड कर रहे हो, अगर आप किसी से कहते कि नहीं मुझे अगर आप कच्चा माल देना चाहते हो तो अन्य को नहीं दोगे, इस प्रकार की प्रवृत्तियां इकोनॉमी में अगर दिखाई पड़ेंगी तो सरकार तुरंत रोक लगाएगी। तो सरकार ने छूट तो दी लेकिन ये नहीं कह दिया कि अर्थव्यवस्था में अनुचित व्यापार व्यवहार की एक्टिविटी को अपनाया जाए। तो कभी भी क्या होता है, इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अगर दिखाई पड़ेगी तो सरकार उस पर तुरंत क्या करेगी, एक्शन ले लेगी। सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेने की बात कही कि नहीं, ऐसा इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। अगली बात है स्थानीयकरण की नीति। स्थानीयकरण का तात्पर्य होता है इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा उन्हें छोड़कर 10 लाख से कम, ठीक है। तो आपको मैंने देखा उस समय उधर बताया कि आपके पास जिन उद्योगों को में लाइसेंस नहीं लेना, ठीक है, 10 लाख से अगर कम की आबादी है तो आपको बिना लाइसेंस के उद्योग लगाने की अनुमति है। लेकिन अगर आप, ठीक, भले लाइसेंस नहीं लेना लेकिन 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन में अगर आप लगा रहे हो, पॉपुलेशन के बीच उद्योग लगा रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे आप दिल्ली और मुंबई में आप कोई उद्योग लगा रहे हो और आप कह रहे हैं लाइसेंस क्यों ले, सरकार ने इसको लाइसेंस मुक्त कर दिया, नहीं, आप पर्यावरण जनसंख्या को प्रभावित करने वाले उद्योग लगा रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, 10 लाख की एक कैटेगरी बांटी कि 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में यदि उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, लेकिन अगर 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा होगी तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी तरह के अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर, ठीक है, जो प्रदूषण ना फैलाए उनके लिए तो ठीक है, 10 लाख से ऊपर के 10 लाख वहां जहां पर पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, वहां पर प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों को परमिशन तो थी, लेकिन जो भी थोड़ा भी प्रदूषण फैला रहे थे उनको आपको लाइसेंस के अंतर्गत अभी भी रखा गया। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं हम क्या करेंगे, हम लाइसेंस से क्या हुआ, छूट मिल गई है। और सभी इकाइयां नगर सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही लगाई जाएंगी, ठीक है, नगर के अंदर नहीं, नगर से आपको 25 किलोमीटर की दूरी पर ही अपने उद्योगों को लगाना होगा। तो इस प्रकार, ओके, एक मिनट, इस प्रकार जो हमारे उद्योग लगाए गए वो उद्योग जो लगाए गए वो वास्तव में कितने 25 किलोमीटर की दूरी पर लगाने का अनुमति गई। तो स्थानीयकरण नीति के अंतर्गत सरकार ने लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं किया, अब लाइसेंस आपको लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें 10 लाख की एक लिमिटेशन की गई कि अगर 10 लाख वाली पॉपुलेशन वाले नगरों में अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हो तो उसके लिए अनुमति जरूरी होगी। और अनुमति जरूरी होने का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था में आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर आप क्या होता 10 लाख से कम की जगह पर आप लगा रहे हो उद्योग, तो आपको परमिशन नहीं ले, ठीक है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि जो 10 लाख का पैरामीटर बनाया गया, 10 लाख का पैरामीटर लाइसेंसिंग व्यवस्था का एक प्रकार का रेंज डिटरमाइन कर दिया गया जिसके अंतर्गत उत्पादन किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण परिवर्तन ज्यादा आपका था एमआरटीसी एक्ट को क्या हुआ लिबराइज उदार कर एमआरटीसी एक्ट 2017 के आसपास लागू किया गया, उसको वास्तव में उसमें छूट देना। लेकिन ये छूट का तात्पर्य ये नहीं होता कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आपको फ्री हो गई है और आप चाहे जिस प्रकार का ट्रेड प्रैक्टिस अपना लो या जिस प्रकार से व्यापार आप संपन्न कर लो, ये कोई इससे छूट नहीं दी गई। और इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया कि आप सरकार के प्रतिस्पर्धात्मक नियम के अनुरूप ही कार्य करोगे। तो इस प्रकार हमने 10 लाख की लिमिटेशन की स्टडी किया। 10 लाख की लिमिटेशन की स्टडी का तात्पर्य यह था जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन आपके पास है, 10 लाख पॉपुलेशन है, अगर उससे ज्यादा पॉपुलेशन के लिए आप उद्योग लगा रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम में लगा रहे हो तो लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। साथ साथ 10 लाख वाली पॉपुलेशन को 25 किलोमीटर की दूरी पर ही आप अपने उद्योगों को स्थापित। अब देखिए विदेशी से पूंजीगत साज सामान का आयात, देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि विदेश से पूंजीगत जो आपका कैपिटल आपके पास कैपिटलिस्टिक आपका प्रोडक्ट है उसको आप आयात करने अनुमति दी गई जो पहले अनुमति नहीं थी। विदेशी पूंजी के विनियोग वाली इकाइयां, ठीक है, जैसे जो विदेशी पूंजी पर चलती है क्योंकि हमारे देश से सारी पूंजियां तो बनती नहीं, तो अगर कोई फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेस पे चलती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस पे चलने वाली कंपनियों को पूर्जे खरीदने, कच्चे माल खरीदने, कभी आपने देखा होगा जब अभी कोविड वैक्सीन बन रही थी जिसके लिए कच्चे माल के लिए हमारे पास प्रॉब्लम आई थी, जिससे हमारे पास बड़े मिनिस्टर लेवल पर भी बात और अमेरिका ने मना कर दिया था कि कच्चा माल आपको भेजेंगे। और भारत के सामने समस्या आ गई थी कि आखिर कच्चे माल के अभाव में हम वैक्सीन कैसे बनाए कि हमने टेस्ट किया था। तो अगर आप कच्चा माल ले रहे हैं विदेश से तो इस अनुमति दी जाएगी। और तकनीकी जानकारी के आयात के मामलों के में सामान्य नियम लागू, लेकिन रिजर्व बैंक में विदेश में भेजे गए लाभांश पर नजर रखेगा। आप कितना मार्केट से पैसा फॉरेन को आयात करोगे तो फॉरेन करेंसी को आप बाहर भेजोगे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर नजर बनाए रखेगा कि आप कितना पैसा भेज रहे हो या कितना पैसा नहीं भेज रहे हो, जिससे बाहर निकले विदेशी मुद्रा और उस उपक्रम की निर्यात आय बना रहे, ठीक है। ये फॉरेन करेंसी और उस उपक्रम की निर्यात जो आपने इम्पोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट करने के बाद जो उत्पादन कर रहे हो, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, इसके मध्य संतुलन बना रहे, तो इस पे भी निगरानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रखेंगे। ये नहीं कि आप ग्लोबलाइजेशन के ईरा पे प्रवेश कर रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन ईरा में आपको कोई नजर ना, ऐसा नहीं था। आरबीआई को मॉनिटरिंग करने की पूरी पावर दी गई। नई नीति के अंतर्गत अनुसूचित 3 में शामिल प्राथमिकता वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य मामलों में विदेशी अंश या पूंजी स्वीकृत लेनी होगी, ठीक है। आप याद रखें एक अनुसूचित 3 बनाई गई है, इसके अंतर्गत प्राथमिकता वाले को मतलब होता है सबसे ज्यादा इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए फॉरेन कैपिटल यानी विदेशी अगर आप मंगा रहे हो तो उसके लिए पहले से स्वीकृत लेनी पड़ेगी, आपको सरकार से स्वीकृत लेनी पड़ेगी, तभी आप विदेशी मंगाओगे और आप अपने उत्पादन को जारी रखोगे। तो इस प्रकार नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत विदेशी पूंजी से संबंधित हमने बाजार को खोला, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में ये कार्य संपन्न होंगे और सरकार से कुछ क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आयात के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यू इंडस्ट्रियल
पॉलिसी में। अभी हमने मेन हाईलाइट पर डिस्कस किया,